सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट नेटिव में व्यू क्या होता है और बेसिकली व्यू के स्टाइलिंग प्रॉप्स कौन कौन से रहते हैं, कि व्यू को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो एक असाइनमेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगी व्यू के रिलेटेड, जिसमें आप बेसिकली अपने व्यू के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने व्यू के रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो गाइज़, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, बेसिकली आज की वीडियो में जो हमारी असाइनमेंट रहने वाली है व्यू के रिलेटेड, उसमें बेसिकली हम शेप्स देखेंगे कुछ, जो रिएक्ट नेटिव में हम कैसे बना सकते हैं। तो गाइज़, फर्स्ट होने वाली है सर्कल, सेकेंड है रेक्टेंगल एंड थर्ड है स्क्वायर। और वीडियो के एंड पे आपको भी एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन अलग से दिया जाएगा, जिसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगी, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हम उसको कोड कैसे करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर का हम कोड लिखेंगे। तो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर मैं हटा देती हूँ अभी के लिए। उसके बाद मैंने एक व्यू बनाया, व्यू में सबसे पहले मैं कोड लिखने वाली हूँ सर्कल के लिए। तो गाइज, अभी सेव किया मैंने, सर्कल टेक्स्ट हमारा जो है स्क्रीन पे आ गया है। उसके बाद अगर मैं इसको स्टाइल करती हूँ, तो स्टाइल में मैं इसका नेम दूंगी स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट सर्कल। तो गाइज, पहले हम इजी शेप से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी यहाँ पे मैंने सर्कल के लिए एक स्टाइल क्रिएट कर लिया है। इसके बाद इसमें मैं क्या करूँगी, इसको हाइट विड्थ प्रोवाइड करूँगी, हाइट 100 कॉमा विड्थ भी हम 100 रखेंगे। जब भी हमें सर्कल बनाना है, तो हमारी हाइट और विड्थ जो है दोनों सेम होगी, तभी वो प्रॉपर जो है हॉरिजॉन्टली और डायगोनली जो है प्रॉपरली सेम डायमेंशंस में रहेगा। इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, अभी के लिए इसको कलर दे देते हैं ग्रीन। तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर बन गया अभी के लिए एक। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसकी मैं हाइट और विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर लेती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ 130, ताकि आपको इजीली विजिबल हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी आपको सर्कल बनाना है, तो सर्कल बेसिकली क्या होगा, हम इसको बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करते हैं। हम बॉर्डर रेडियस हो गया, चारों डायरेक्शन से हमारे पास सेम जाता है बॉर्डर रेडियस। हम जब भी सर्कल बनाना है, तो हम कितना प्रोवाइड करेंगे, हाइट विड्थ हम सेम रख रहे हैं, तो और हाइट या फिर विड्थ को डिवाइड बाय अगर हम 2 कर दें, तो वो हमारे पास प्रॉपर जो है एक सर्कल की शेप बन जाएगी। तो अभी के लिए मैंने इसको डिवाइड बाय 2 किया, तो आप देख सकते हो कि प्रॉपरली जो है यहाँ पे एक सर्कल की शेप बन गई है। उसके बाद आप देख सकते हो कि सर्कल का टेक्स्ट जो है वो हमारा बाहर जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये था इतना ही, बट बॉर्डर रेडियस देने की वजह से अभी इसका बैकग्राउंड जो है वो ऐसा दिख रहा है हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं कर देती हूँ जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए वर्टिकली। अभी जो है ये हमारे पास सेंटर में आ गया है, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, जिससे कि ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाएगा। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो कि सर्कल हमारे पास बन चुका है, इसको मैं स्टाइल दे देती हूँ यहाँ पे। अभी हम एक चीज़ और देखेंगे कि हम इसमें एक कॉमन स्टाइल भी दे सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स को या मल्टीपल जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम एक कॉमन स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज में इसका चेंज करती हूँ 20 कॉमा, कलर हम इसको दे देंगे वाइट। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो कि प्रॉपर जो है हमारे पास एक सर्कल बन गया है। इसके बाद गाइज, नेक्स्ट शेप हम देखेंगे स्क्वायर। तो इसी को मैं एक बार और कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे, और इस व्यू को मैं मार्जिन दूंगी, मार्जिन बॉटम, ताकि ये थोड़ा सा हमारे पास गैप रहे जो भी हम इसमें शेप्स बनाएंगे उनमें। तो मार्जिन बॉटम मैं यहाँ पे दे देती हूँ 50। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो दो सर्कल बन गए हैं। अब मैं नेक्स्ट जो स्टाइल है उसका नेम मैं दे दूंगी स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से स्क्वायर क्रिएट किया मैंने। उसके बाद गाइज, अभी हम क्या करेंगे, सर्कल और स्क्वायर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सर्कल में तो हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, जिससे जो उसके एजेस है वो राउंड हो जाते हैं, प्रॉपरली राउंड हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर एक सर्कुलर शेप उसकी बन जाती है। बट हम स्क्वायर में बिल्कुल भी बॉर्डर रेडियस नहीं देंगे। अगर मैं इसमें से सेम सारी प्रॉपर्टीज़ यही रहेगी, और इनमें से अगर मैं बॉर्डर रेडियस हटा दूँ, तो ये मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा एक। तो इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं रेड, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट शेप हम बनाने वाले हैं इसमें रिक्टेंगल, इसका मैं नेम चेंज कर देती हूँ स्क्वायर।
एंड देन रिक्टेंगल। तो गाइज रिक्टेंगल में क्या होता है, रिक्टेंगल बेसिकली एक तरह से स्क्वायर ही है, बट रिक्टेंगल की विड्थ जो है वो स्क्वायर से ज़्यादा रहती है। तो विड्थ अगर हम उसकी ज़्यादा कर देंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि अभी मैं हाइट यहाँ पे सेम रखती हूँ जो पहले थी 130, विड्थ मैं यहाँ पे कर देती हूँ 130 को हम डबल कर देते हैं, 260 हम रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप जितनी मर्जी रख सकते हो बट हाइट से ज़्यादा रहेगी। उसके बाद बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे इसको दे देंगे पिंक, या फिर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको चेंज कर देते हैं, ग्रे रखेंगे हम। उसके बाद अभी हम यहाँ तक हमारा रिजल्ट देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो गैस देख सकते हो कि हमारे पास जो है रेक्टेंगल एक बन चुका है। उसके बाद इसको मैं फिर से जो भी मेरा कंटेंट है उसको सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कॉमा अलाइन आइटम्स सेंटर। तो गाइज आप देख सकते हो हमारे पास सर्कल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जो है बन गई है। तो गाइज एक बार जल्दी से इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या था, सबसे पहले हमारे पास आ गया बेसिकली फ्लेक्स 1 दिया है और जस्टिफाई लाइन आइटम सेंटर दिया है कि हमारा कंटेंट प्रॉपर स्क्रीन के सेंटर में रहे। उसके बाद गाइज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सर्कल बनाया। तो सर्कल के लिए हाइट और विड्थ हमारे पास हम सेम रखते हैं जब भी हमने सर्कल बनाना है। उसके बाद हमने बॉर्डर रेडियस, जब भी आपको अगर प्रॉपर सर्कल चाहिए तो हाइट और विड्थ हम सेम रख रहे हैं। तो हाइट या विड्थ में से कोई भी एक वैल्यू आप उठा लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, बस उसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसके जो एजेस है वो प्रॉपरली राउंड हो जाएंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे ग्रीन। एंड देन जस्टिफाई और लाइन आइटम बेसिकली सर्कल का जो ये टेक्स्ट है इसको सेंटर में लाने के लिए था, एंड मार्जिन बॉटम की बॉक्स के बाहर थोड़ी स्पेसिंग ऐड करने के लिए था। तो गाइज हमने लास्ट वीडियो में मार्जिन पढ़ा था, मार्जिन होता है, मार्जिन में भी चार हमारे पास प्रॉपर्टीज मिल जाती है, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, सेम जैसे हमने बाकी की प्रॉपर्टी स्टडी की थी वैसे ही। तो गाइज इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर था, तो स्क्वायर में हमारे पास हाइट और विड्थ जो है हमने सेम रखी है। उसके बाद इसमें हमारे पास बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही सिर्फ हाइट विड्थ देने से अपने आप को एक स्क्वायर की शेप बना लेगा। उसके बाद रिक्टेंगल में क्या होता है, हाइट हमने जो रखी है एंड विड्थ जो है हमेशा हाइट से ज़्यादा रहेगी, तब भी वो रिक्टेंगल बनेगा प्रॉपरली। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। अब हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें होगा कि आपको एक ओवल की शेप बनानी है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ओवल की शेप कैसे बनेगी। ओवल की शेप होगी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो गाइज आप इसको ट्राई करो, उसके बाद मेरे को इसका कोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप ड्रॉप करना। उसके बाद मेरे पास आपके लिए एक और इसमें क्वेश्चन है, मेरे को इन तीनों को एक कॉमन स्टाइल से, सिंगल कॉमन स्टाइल से इन तीनों को बॉर्डर रेडियस देना है जिसका कलर ब्लैक हो या फिर येलो, ब्लैक या येलो हो, उसके बाद उसकी बॉर्डर विड्थ हो 5। तो गाइज ये भी आप ट्राई करना। और इन तीनों में हमारे पास तीन, हमने लास्ट वीडियो में बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सॉलिड डॉटेड और डैश्ड, वो तीनों आप इन तीनों पे एक एक अप्लाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट ज़रूर पोस्ट करना। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।